الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله النبي الرؤوف الرحيم أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم صدق الله مولانا العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما اللهم ارحمنا بالقران العظيم واجعله لنا اماما ونورا وهدى ورحمه اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وآناء النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين آمين 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 السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Understanding of Quran कोर्स के तहत हमारे लेक्चर टू और पार्ट टू का आगाज हो रहा है. मैं तमाम सामईन को इस कोर्स को ज्वाइन करने पर दिल की यथा गहराइयों से खुश आमदेद कहता हूँ और दुआगो हूँ कि अल्लाह ताला हमारे इस कुरान के सीखने और सिखाने के अमल को अल्लाह जारी और सारी फरमाए और इसे पाए तकमील तक पहुँचाए. मेरे बेटे और मेरे भाइयों और मेरी बहनों, मेरा काम आप तक मैसेज पहुँचाना है और इस काम में आप मेरे साथ मुआमिन हो जाएं ताकि कुरान मजीद की तालीम को आगे हम सब बढ़ा सकें और इस पैगाम को ज़्यादा से ज़्यादा हम सरेआम कर सकें. आज के दूसरे लेक्चर में हम तफसीर अऊज़ु बिल्लाही मिनश शैतानिर रजीम के तहत इस्तियाज़ा के अहकाम पर बात कर रहे हैं. इस्तियाज़ा से मुराद क्या है और इस्तियाज़ा का माना क्या है? इस्तियाज़ा का माना है कि किसी नापसंदीदा चीज से बचने के लिए किसी की पनाह में आना. और यहाँ इस्तियाज़ा से मुराद वो अल्फाज हैं जिसके ज़रिए अल्लाह ताला की बारगाह में शैतान मर्दूद से पनाह तलब की जाती है, यानी अऊज़ु बिल्लाही मिनश शैतानिर रजीम. इन अल्फाज को शरीयत की इस्तेलाह में तअव्वुज़ या इस्तियाज़ा कहा जाता है और तफसीर से मुराद अऊज़ु बिल्लाही मिनश शैतानिर रजीम के कलिमात के मानी और मतालिब को बयान करना, इनकी तशरीह और तौज़ीह और तफसील करना, इसके अल्फाज के मफहूम और मतलब को जाहिर करना और इनकी हिकमतों को बयान करना, इसके फ़ज़ाइल और इसकी तारीखी हैसियत पर बात करना. इस्तियाज़ा का जो हुक्म है कुरान मजीद की, ये जो सूरतुन नहल की आयत नंबर 89 है, इससे इस्तिदलाल किया गया है. कुरानी हुक्म के तहत इस्तियाज़ा का हुक्म अल्लाह ने दिया है. अगरचे ये जुमला अऊज़ु बिल्लाही मिनश शैतानिर रजीम ये अपनी तरतीब और अपनी हयत लफ्जी के एतबार से कुरान मजीद का हिस्सा तो नहीं है, मगर कुरान हकीम में इसके पढ़ने का हुक्म
कुरानी आयात से माखूज है, जैसा कि अल्लाह ताला का इरशाद है सूरह नहल की आयत नंबर 98 में, फ़इज़ा क़रअतल क़ुरआन फ़स्तईज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। पस जब तुम कुरान पढ़ने लगो तो शैतान मर्दूद से अल्लाह की पनाह मांगो। कुरान हकीम में एक और मकाम पर इस्तियाज़ा का हुक्म दिया गया है, सूरत हामीम अस्सजदा की आयत नंबर 36 में अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया, फस्ताइज बिल्लाही इन्नहु हुवस समीउल अलीम। अल्लाह की बारगाह में पनाह मांग, बेशक वही सुनने वाला जानने वाला है। इसी तरह कुरान हकीम में एक और मकाम पर इस्तियाज़ा की तलकीन की गई है, अल्लाह ताला का इरशाद है सूरत आराफ में, और सूरतुल आराफ की आयत नंबर है 200, उसमें इरशाद फरमाया हुआ, इम्मा यन्ज़गन्नक मिनश शैतानि नज़्गुन फस्तईज़ बिल्लाह इन्नहु समीउन अलीम। और अगर शैतान की कोई चीज़ तुम्हें उभारे तो अल्लाह की बारगाह में पनाह मांगो, बेशक वही सुनने वाला और वही जानने वाला है। कुरान मजीद की एक और आयत करीमा है सूरत अल मोमिनून की आयत नंबर 98 में, अल्लाह ताला ने हुजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस्तियाज़ा का हुक्म देते हुए इरशाद फरमाया, वकुर रब्बी आऊज़ु बिका मिन हमज़ाति शयातीन व आऊज़ु बिका रब्बी अन यहदुरून, कि ऐ मेरे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप मेरी बारगाह में अर्ज किया करें कि ऐ मेरे रब, मैं तेरी पनाह मांगता हूँ शैतान के वसवसों से, और मैं तेरी पनाह मांगता हूँ कि वो मेरे पास आए। इसी तरह मुअव्वज़तैन की जो दो सूरतें हैं सूरतुल फलक और सूरतुल नास में भी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बज़ाहिरन हुक्म दिया, लेकिन हुजूर के तवस्सुत से क़ियामत तक हर कुरान पढ़ने वाले और हर मुसलमान को अल्लाह के हुजूर इस्तियाज़ा की तलकीन की गई। इरशाद फरमाया सूरतुल नास की आयत नंबर 1 में, कुल आऊज़ु बिरब्बिन नास, ऐ हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप फरमाएं और आप अर्ज करें कि मैं पनाह लेता हूं सब इंसानों के परवरदिगार की। इसी तरह सूरतुल फलक में इरशाद फरमाया, कुल आऊज़ु बिरब्बिल फलक, ऐ हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप कहें कि मैं पनाह लेता हूं सुबह के परवरदिगार की। तो इन तमाम आयात में अल्लाह ताला की बारगाह में इस्तियाज़ा यानी अल्लाह की पनाह लेने के अहकाम दिए गए हैं, कहीं शैतान मर्दूद से, कहीं शैतान मर्दूद के वसवसों से, कहीं शैतान के शर से बचने के लिए अल्लाह की पनाह लेने का हुक्म है, और कहीं तमाम मुज़र और शर अंगेज चीज़ों से पनाह तलब करने का हुक्म है। तो कुरान हकीम की इन आयात में बज़ाहिर इस्तियाज़ा का हुक्म हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दिया गया है, लेकिन हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वास्ते से और हुजूर के तवस्सुत से क़ियामत तक ये हुक्म हर मुसलमान मर्द और औरत के लिए है कि वो शैतान मर्दूद के शर से और हर अज़ियत वाली चीज़ से और हर शर अंगेज़ी फैलाने वाली चीज़ से अल्लाह की बारगाह में पनाह तलब करे। लिहाजा इस्तियाज़ा का हुक्म अहकाम कुरान में से एक हुक्म कुरानी है। अब हम इस्तियाज़ा के जो कलिमात हैं और इस्तियाज़ा के जो अल्फाज हैं इस पर बात करते हैं। इस्तियाज़ा का जुमला, क्योंकि मैंने जैसे कहा कि बाकायदा कुरान हकीम की आयात का हिस्सा नहीं है, बल्कि इस्तियाज़ा के अहकाम की ये जो आयात मैंने अभी आपके सामने तिलावत की उससे ये माखूज किया गया है। इसके अल्फाज और कलिमात के लिए अल्फाज की हयत और तरकीब के एतबार से कुरानी आयात से इस्तिदलाल करते हुए अहले इल्म ने इस्तियाज़ा
के अल्फाज के लिए जो आइम्मा हैं और उलमा हैं और कुरान मजीद के माहिरीन हैं, कुरान को समझने वाले, अंडरस्टैंड जिन्होंने किया है, तो उसमें से इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह और इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह और इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह, ये फ़िक़्ह इस्लामी के अथेंटिक अथॉरिटी की हैसियत के बहुत बड़े मुसल्लम इमाम हैं। तो इन तीन आइम्मा ने इस्तियाज़ा के लिए जो अल्फाज अख्तियार किए हैं वो हैं, आऊज़ु बिल्लाही मिनश्शैतानिर रजीम, ये जो सूरत नहल की आयत नंबर 98 है जिसमें इस्तियाज़ा का हुक्म है। तो ये तीन आइम्मा कराम के नज़दीक और इन्होंने जो कलिमात अख्तियार किए हैं इस्तियाज़ा के, आसान तरीन वो कहते हैं यही अल्फाज ज़्यादा मुनासिब हैं, आऊज़ु बिल्लाही मिनश्शैतानिर रजीम, ये जो जुमला है जो आवाम में ज़्यादा मशहूर है। इसी तरह एक बहुत बड़े इमाम हैं फ़िक़्ह हम्बली के, इमाम अहमद बिन हम्बल रहमतुल्लाह अलैह और इमाम सुफियान थौरी और इमाम औज़ाई ने कुरान हकीम की एक और दूसरी दो आयात से इस्तिदलाल किया है। एक आयत है सूरतुल आराफ की आयत नंबर 200 जिसमें अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया कि फस्तईज़ बिल्लाही इन्नहु हुवस्समीउल अलीम, और दूसरी आयत है सूरत हामीम अस्सजदा की आयत नंबर 36 जिसमें अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया फस्तईज़ बिल्लाही इन्नहु हुवस्समीउल अलीम। तो इमाम अहमद बिन हम्बल और इमाम सौरी और इमाम औज़ाई कहते हैं कि इन तीन आयत, सूरत नहल की आयत और सूरत आराफ की आयत और सूरत हामीम अस्सजदा की आयत, इन तीनों आयत को इकट्ठा करें और फिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो अल्फाज खुद अपनी ज़ुबान से अदा किए जो हदीस पाक में मौजूद हैं जो आगे मैं अर्ज़ करूँगा, वो कहते हैं कुरान की इन तीनों आयात को और हदीस पाक के मफहूम को लें, तो वो फरमाते हैं कि उसके लिए इस्तियाज़ा के जो कलिमात और अल्फाज हैं वो हैं आऊज़ु बिल्लाहि समीउल अलीम मिनश शैतानिर रजीम, आऊज़ु बिल्लाहि समीउल अलीम मिनश शैतानिर रजीम। तो ये दो अकवाल हैं इस्तियाज़ा के कलिमात और इस्तियाज़ा के जो अल्फाज हैं, इन अहले इल्म ने उसके लिए ये कौल नकल किए हैं। एक ये है आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, दूसरा है आऊज़ु बिल्लाहि समीउल अलीम मिनश शैतानिर रजीम। तो जो मुसलमान भी इन दोनों अल्फाज और इन दोनों कलिमात के साथ इस्तियाज़ा करेगा वो कुरानी आयात से ही इस्तियाज़ा होगा और हुक्म कुरान होगा, इन दोनों में कोई तजाद और तनाकस नहीं है, बल्कि ये दोनों कलिमात कुरान मजीद में आए हैं और कुरान मजीद की आयात से अहले इल्म ने इस्तिंबात और इस्तिदलाल करते हुए जो है ये कलिमात अख्तियार किए हैं। अब हम आते हैं इस्तियाज़ा की जो शरी हैसियत है इस पर। इस्तियाज़ा की शरी हैसियत में कुरान मजीद में तिलावत कुरान से पहले बतौर ख़ास इस्तियाज़ा का हुक्म दिया गया है। सूरत नहल की आयत नंबर 98 में इरशाद हुआ फ़इज़ा क़रातल क़ुरान फ़स्तईज़ बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम, बस जब तुम कुरान पढ़ने लगो तो शैतान मर्दूद से अल्लाह की पनाह मांगो। तो मजॉरिटी उलमा की, जमहूर उलमा के नज़दीक तिलावत कुरान से पहले इस्तियाज़ा सुन्नत है, और इमाम खाजन बहुत बड़े मुफस्सिर होकर गुजरे हैं, उन्होंने अपनी तफसीर में इस आयत करीमा के तहत लिखा है कि इस आयत करीमा में जो हुक्म दिया है इस्तियाज़ा का कुरान मजीद की तिलावत से पहले, तो वो फरमाते हैं कुरान पाक की तिलावत से पहले आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम पढ़ना सुन्नत है। और हज़रत अबू सईद खुदरी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है, इस हदीस को इमाम अब्दुल रज़ाक रहमतुल्लाह अलैह ने अल मुसन्नफ में इसे बयान किया है, सफ़ा नंबर 85 और जल्द नंबर 1 में उन्होंने इस हदीस को जिक्र किया है कि हुजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुरान मजीद पढ़ने से पहले आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम पढ़ा करते थे।
तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये सुन्नत है। तो इसी तरह बाज़ उलमा ने कुरानी हुक्म जो है ना फ़ाइदा करातल कुराना फस्ताइज़, ये जो लफ्ज़ है फस्ताइज़, ये अरबी ग्रामर में और इल्मु सर्फ़ के एतबार से ये अमर का सीगा है, ऑर्डर के जो जुमले आते हैं ना, सेंटेंसेस आते हैं, तो ये जो फस्ताइज है ये अमर है। तो फेल अमर चूंकि अरबी का एक कायदा और कुलिया है ग्रामेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से कि अल अमर लिल वुजूब, तो इल्मे नहव की रोशनी में बाज़ उलमा ने कहा चूंकि फस्ताइज का जुमला आया है और अमर वुजूब के लिए होता है, लिहाजा इस्तियाजा करना सिर्फ सुन्नत ही नहीं बल्कि अल्लाह की बारगाह में पनाह मांगना ये वाजिब है, यानी फ़र्ज के कई मकाम है। और ये राय है इमाम सौरी की और अता बिन अबी रबाह की, वो कहते हैं कि कुरान मजीद की तिलावत से पहले इस्तियाजा सुन्नत नहीं बल्कि वाजिब है। लेकिन और जमहूर उलमा ने और अक्सरियत उलमा की इस जानिब गई है, वो कहते हैं कि कुरान मजीद में जो फेल अमर का सीगा है वो कई मानी के लिए इस्तेमाल होता है, लिहाजा वो सुन्नत के लिए भी अमर का लफ्ज़ आया है, इस्तेहबाब के लिए भी आया है, नुदब के लिए भी आया है, वजूब के लिए भी आया है। कुरान मजीद में मुतअद्दद आयात हैं जहां फेल अमर का लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि वो फेल और वो उस काम पर अमल करना फ़र्ज़ और वाजिब हो। तो वो कहते हैं कि यहाँ पर भी उसी पैटर्न के एतबार से कि फेल अमर मुतअद्दद मानी में आता है, तो लिहाजा यहाँ फेल अमर फ़र्ज के माने में नहीं लेंगे बल्कि सुन्नत के माने में लेंगे, तो इसलिए इस्तियाज़ा को अक्सर उलमा ने और अहले इल्म ने सुन्नत करार दिया है। उसके बाद हम आते हैं इस्तियाज़ा के अहकाम। इस्तियाज़ा के जो अहकाम हैं तो उसमें नमाज में आऊज़ु बिल्लाही मिनश्शैतानिर रजीम पढ़ना ये हुक्म है शरीयत का, और फिकी जो मसाइल हैं, जो फिकी अहकाम हैं, अहकाम शरीयत के इस्तियाज़ा का हुक्म शरीयत में भी है। तो उसमें से हज़रत अबू सईद खुदरी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नमाज में क़ियाम करते हुए फरमाते हैं कि हुजूर जब नमाज में क़ियाम करते थे तो अल्लाहु अकबर कहते, फिर हुजूर अलैहिस्सलातु वसलाम सुबहानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका व तबारकस्मुका व तआला जद्दुका व ला इलाहा गैरुक पढ़ते, और फिर आऊज़ु बिल्लाहि समीउल अलीम मिनश्शैतानिर रजीम मिन हमज़िही व नफ़्ख़िही व नफ़्ख़िही के अल्फाज हुजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ते थे। तो नमाज में सना के बाद इस्तियाज़ा ये शरी हुक्म है। इसी तरह मसाइल में जो है कुरान मजीद की तिलावत से पहले इस्तियाज़ा करने का हुक्म है। इसी तरह नमाज और तिलावत के बाद, क्योंकि तिलावत का हुक्म तो जैसे मैंने कहा सूरतुन नहल की आयत नंबर 98 में आ गया, फ़ैज़ा करातल कुरान फस्तईज़ बिल्लाही मिनश्शैतानिर रजीम, तो इस्तियाज़ा नमाज में भी सुबहानकल्लाहुम्मा के बाद औज़ु बिल्लाह पढ़ने का हुक्म है। यह एक शरी मसला है अहकाम शरीयत में से। दूसरी बात यह है कि तिलावत कुरान के आदाब में से है कि जब कुरान मजीद की तिलावत की जाए तो आऊज़ु बिल्लाही मिनश्शैतानिर रजीम से कुरान पाक की तिलावत को स्टार्ट किया जाए और फिर उसके बाद बिस्मिल्लाह पढ़ी जाए और आगे फिर कुरान की तिलावत हो। इसके अलावा नमाज और कुरान पाक की तिलावत के अलावा भी नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुतअद्दद अहदीस हैं जिस पर हम फजाइल इस्तियाज़ा में वो हदीसें मैं बयान कर दूंगा। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमाज के अंदर भी, नमाज के बाहर भी, सुबह की दुआओं में, शाम की दुआओं में बहुत सारी हुजूर की दुआएं हैं जिसमें ताजदार कायनात हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह के हुजूर इस्तियाज़ा किया है। तो शरीयत के अहकाम में तीन चीज़ें हो गई, नमाज में इस्तियाज़ा सना के बाद औज़ु बिल्लाह पढ़ना और तिलावत कुरान से पहले आऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम पढ़ना, तो अल्लाह की बारगाह में शैतान मर्दूद से और दीगर अशिया से पनाह मांगने और इस्तियाज़ा करने के अहकाम हैं। अब आइए हम आखिरी जो हमारा पॉइंट है नमाज में आऊज़ु बिल्लाह पढ़ने से मुतल्लिक फिकही मज़ाहिब, इस पॉइंट को डिस्कस कर लेते हैं। बड़े अहकाम हैं इसमें, बड़ी डिटेल है
और फिक की जो बुक्स हैं और कुतुब हैं उसके अंदर बहुत बड़ी इस पर तफसील है। इसको इख्तसार के साथ हम ले लेते हैं। नमाज में औज़ुबिल्लाह पढ़ने से मुतालिक जो फुकहाए अहनाफ हैं वो सना के बाद औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम पढ़ने को सुन्नत समझते हैं और जमहूर उलमा के नज़दीक सना के बाद औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम नमाज के अंदर पढ़ना सुन्नत है। इमाम अबू हनीफा और इमाम मुहम्मद रहमतुल्लाह अलैह के नज़दीक औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम ये चूँकि क़िरात के ताबे है और नमाज बा जमात में जो है चूँकि इमाम क़िरात करता है और फ़िक़्ह हनफी की राय के मुताबिक मुक्तदी क़िरात नहीं करता, इसलिए इमाम अबू हनीफा और इमाम मुहम्मद रहमतुल्लाह अलैह ने शरी मसला बयान किया है और इसी को अख्तियार किया है। वो कहते हैं कि जब जमात के साथ नमाज पढ़ी जा रही हो तो उसमें चूँकि क़िरात इमाम करता है इसलिए औज़ुबिल्लाह भी इमाम ही पढ़ेगा और मुक्तदी चूँकि क़िरात नहीं करता वो सना पढ़ के खामोश हो जाएगा और वो औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम नहीं पढ़ेगा बल्कि ये इस्तियाज़ा इमाम ही पढ़ेगा। फ़िक़्ह हनफी की बहुत सारी किताबें हैं, हिदाया में और हिदाया की शरूहात में एक काफ़ी है उसमें और फतावा काजी ख़ान है और अक्सर किताबों में इमाम अबू हनीफा और इमाम मुहम्मद के कौल को तरजीह दी गई है और कहा गया है कि औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम ये क़िरात के ताबे है और यही मुख्तियार मज़हब यही है कि इमाम जो है वो क़िरात में औज़ुबिल्लाह पढ़ेगा, मुक्तदी सना पढ़ के खामोश हो जाएगा, मुक्तदी औज़ुबिल्लाह नहीं पढ़ेगा। लेकिन एक और राय इमाम अबू यूसुफ़ रहमतुल्लाह अलैह ने दी है और उन्होंने कहा है कि ये क़िरात के ताबे नहीं है बल्कि सना के ताबे है। तो वो कहते हैं चूँकि सना इमाम ने भी पढ़नी होती है मुक्तदी ने भी पढ़नी होती है तो लिहाजा मुक्तदी भी सना के बाद तहव्वुज़ यानी इस्तियाज़ा पढ़ेगा और इमाम भी पढ़ेगा। तो उन्होंने दलील ये दी है कि दूसरी रकात में चूँकि सना नहीं पढ़ी जाती इसलिए इस्तियाज़ा भी नहीं पढ़ा जाता, तो इसका मतलब ये है कि ये इस्तियाज़ा सना के ताबे है। लेकिन इमाम मुहम्मद रहमतुल्लाह अलैह और इमाम अबू हनीफा ने इसका जवाब ये दिया है, वो कहते हैं कि बात यह है कि औज़ुबिल्लाह का महल सना के बाद नहीं है बल्कि ये क़िरात के ताबे है और वो कहते हैं दूसरी रकात में इसलिए नहीं पढ़ा जाता कि वजह उसकी ये है कि कोई नमाजी ने अजनबी फेल नहीं किया होता और तमाम नमाज के जो अफ़ाल हैं वो अजनबी अफ़ाल नहीं हैं उसमें जो है तहव्वुज़ भी नहीं पढ़ा जाता। तो बहरहाल बात ये हुई कि फ़िक़्ह हनफी के नज़दीक ये है कि नमाज में सना के बाद औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम पढ़ना सुन्नत है। इसी तरह जो फ़ुकहाए मालकिया हैं, फ़ुकहाए मालकिया के यहाँ ये है कि वो इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह फ़र्ज नमाज में औज़ुबिल्लाह पढ़ने के कायल नहीं हैं। वो उनकी दलील ये है, वो कहते हैं कि तहव्वुज़ का हुक्म चूँकि कुरानी तिलावत के लिए स्पेसिफिक है और स्पेशली खसूसियत के साथ अल्लाह ने यह हुक्म फ़ैज़ा क़रातल कुरान फ़स्तईज़ बिल्लाह कुरान की तिलावत के लिए आया है, लिहाजा वो कहते हैं तिलावत कुरान से पहले तो सुन्नत है लेकिन नमाज में जो है वो इसे ना पढ़ा जाए तो कोई हर्ज नहीं है। इसी तरह उन्होंने बहुत सारी और भी दलाइल दी हैं। फ़िक़्ह हम्बली में जो है नमाज में किरात से पहले औज़ुबिल्लाह पढ़ना सुन्नत है। फ़ुकहाए हनाबिला जो हैं वो नमाज में किरात से पहले औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम पढ़ने को सुन्नत समझते हैं और इस पर इमाम हसन बसरी की राय भी यही है, इमाम इब्ने सीरीन की राय भी यही है, अता बिन रिबा की राय भी यही है, इमाम सौरी और इमाम औज़ाई और इसी तरह इमाम शाफी और इसी तरह फ़ुकहाए अहनाफ की राय भी यही है। और ख़सूसी तौर पर जो है जो फ़ुकहाए शाफिया हैं, फ़ुकहाए शाफिया में इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह ने
जो है इस्तियाज़ा के जो है सुभानकल्लाहुमा के बाद औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम पढ़ने को मुस्तहब करार दिया है। और जो फुकहाए हम्बली हैं उनकी अजीम किताब है इब्ने कुदामा की अल-मुग़नी, उसमें उन्होंने लिखा है कि औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम जो है वो पढ़ना सना के बाद सुन्नत है। तो ये नमाज में औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम पढ़ने से मुतल्लिक ये चारों आइम्मा के हाँ, सिवाय इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह के, बाकी आइम्मा इसको पढ़ने की बात करते हैं। सिर्फ फ़र्क इतना है कि इमाम शाफी नमाज में मुस्तहब समझते हैं और इमाम अबू हनीफा और इमाम अहमद बिन हम्बल और उनके पैरोकार सना के बाद तअव्वुज़ पढ़ने को सुन्नत कहते हैं। अल्लाह ताला की हुजूर दुआ है कि रब्बे कायनात हमें कुरान मजीद के अहकाम को और स्पेशली इस्तियाज़ा के जो अहकाम हैं इनको समझने और इस पर अपनी इबादात में और अपने मामलात में इसे अपनाने की अल्लाह हमें सआदत नसीब फरमाए। इंशाल्लाह अगला लेक्चर हम फ़ज़ाइल इस्तियाज़ा पे करेंगे। अब ज़रूरत समर की है कि हम कुरान मजीद को समझें और आगे इसे पहुँचाएँ। तो मैंने तो ये चैनल आप लोगों के लिए बनाया है। इस चैनल को आप, इस प्रोग्राम को, इस कोर्स को, इस चैनल को सब्सक्राइब करें। आगे जो आपके रिलेटिव हैं, फैमिली हैं, भाई हैं, दोस्त हैं, शागिर्द हैं, उन तक पहुंचाएं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा कुरान की हमें समझ आए। और फिर दूसरी बात यह है कि हमारे साथ पहले लेक्चर से आप चलें। पहला लेक्चर मेरा इस टॉपिक का तारुफ पर था, दूसरा हमने आज का लेक्चर इस्तियाज़ा के अहकाम पे दिया है, आगे फिर फ़ज़ाइल पे आएंगे। तो कंटिन्यू रखें ताकि शुरू से ही कुरान मजीद की हमें तफसीर और उसका फ़हम समझ आता जाए।